वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज आर्टिकल सोनिया राठौर। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप विजडम स्टेयर स्मार्ट क्लाउड टीवी यूज़ कर रहे हैं और अगर इसके स्पीकर्स ख़राब हो गए हैं या इसके साथ आप किसी एक्सटर्नल स्पीकर्स को कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यह मैं आपको बताना चाहूँगी कि विजडम स्टेयर स्मार्ट क्लाउड टीवी से रिलेटेड मैं ऑलमोस्ट 35+ वीडियोज़ को अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप मेरी उन वीडियोज़ को वॉच करना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या इस वीडियो के एंड पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसे क्लिक करके इस टॉपिक से रिलेटेड आप मेरी और वीडियोज़ को वॉच कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मुझे ज़रूरत है USB स्पीकर्स की। यह मेरे पास मिनी USB स्पीकर्स पड़े हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके साथ 3.5 mm का जैक है और साथ ही USB कनेक्टर भी है जिसकी वजह से ये इजीली हमारे टीवी को कनेक्ट हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं ये इस 3.5 mm के जैक को अपने टीवी से कनेक्ट करती हूँ और फिर उसके बाद USB पोर्ट को कनेक्ट करूँगी। तो स्पीकर्स के इस जैक को कनेक्ट करने के लिए टीवी की बॉटम में एक पोर्ट दी गई है। टीवी की बॉटम में हम आ चुके हैं और यहाँ पे आपको ये पोर्ट जो बिल्कुल राइट साइड पे शो हो रही है इसी पोर्ट में हमने 3.5 mm के जैक को कनेक्ट करना है। ये देखिए जैक कनेक्ट हो चुका है और अब हम स्पीकर के इस USB कनेक्टर को टीवी से कनेक्ट करेंगे। अगर स्पीकर के इस USB कनेक्टर की लेंथ शॉर्ट है तो आप इसको चार्जर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी एक्चुअली इसने स्पीकर्स को करंट देना है। या तो आप इसको टीवी से कनेक्ट कर लीजिए या चार्जर से कनेक्ट कर लीजिए। तो मैं फ़िलहाल इसको टीवी से ही कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि इसकी वायर इतनी है कि टीवी से कनेक्ट हो सकती है। तो USB कनेक्टर को कनेक्ट करने के लिए जो पोर्ट है वो हमें टीवी की बैक साइड पर मिल जाती है, बट इस बार हमें टीवी की बॉटम में जाने के बजाय टीवी की राइट साइड पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप टॉप पर देख सकते हैं जो एक अदद हमें यहाँ पे सॉकेट दिख रही है ये USB की है और इसी में हमने USB कनेक्टर को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि USB कनेक्टर भी कनेक्ट हो चुका है और अब हम यहाँ से अपने टीवी को ऑन कर लेते हैं। अब चाहे आप अपने टीवी के चैनल्स का यहाँ पे वॉल्यूम सुनिए या YouTube को यूज़ कीजिए, मतलब आपको जहाँ पे भी आवाज़ को सुनना है तो आप उस चीज़ को ऑन कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे टीवी चैनल्स को ओपन करूँगी, यहाँ पे म्यूट का साइन है, म्यूट को मैं ख़त्म करती हूँ तो आप इसका वॉल्यूम सुन पाएंगे। लेकिन जब पेशेंट हमारे पास पहुँचते हैं वो कहते हैं कि जब मेडिसिन भी हम तरह से रंदा नहीं हो रही, उसमें भी जब हम असेसमेंट करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये मसल्स का प्रॉब्लम है, पोस्चर का प्रॉब्लम है, तो उसमें वन ऑफ द ट्रीटमेंट मेथड है वो कायरोप्रैक्टिक। अब मैं आपको स्पीकर्स भी दिखा देती हूँ क्योंकि एक ही टाइम में दोनों को मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी कैप्चर करने में, तो मैं थोड़ा डिस्टेंस पे ले जाती हूँ अपना कैमरा और आपको स्पीकर्स भी दिखा देती हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मसल्स में या हमारे शोल्डर पेन जिनको अक्सर रहती है नॉट लग जाना, ये अगर आपके ऊपर सोशल नॉट्स बन जाती हैं या बैंड्स बन जाते हैं जिनको हम ट्रिगर पॉइंट्स ही बोलते हैं, मसल नॉट्स ही बोलते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम यहाँ होगी। पेशेंट कहेगा कि मेरे हाथ में दर्द है, कि मुझे देखने में मसला आ रहा है, सुनने में मसला आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह में लाइट। ठीक है, तो आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल गया, यानी अगर कोई स्पीकर ख़राब हो गए या एक्सटर्नल स्पीकर्स को आप टीवी से कनेक्ट करना चाहते हैं। खैर मेरे पास तो छोटे थे, मैंने छोटों को लगा लिए। आप जिस भी साइज़ के स्पीकर्स को टीवी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। बस उसमें दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं, एक 3.5 mm का जैक और दूसरा USB कनेक्टर। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।